प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हो लॉर्ड यीशुस, महिमा करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं खुदा, आपके बेशकीमती लहू का जय जयकार करते हैं, पवित्र लहू का जय जयकार करते हैं, आपके नाम को और ऊंचा उठाते हैं और ऊंचा करते हैं, क्योंकि आपने एक और सुंदर सुबह का प्रकाश है, हाँ एक और सुंदर भोर का प्रकाश है, सुंदर सवेरा का किरण हमें दिखाए हैं, हमारे जीवन में उदय किए हैं। स्तुति हो प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज के दिन के किरण के लिए प्रभु, आपकी स्तुति हो, 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 महिमा हो प्रभु जी, धन्यवाद कि आप एक और नए दिन में हमें नींद से उठाए हैं, हमें जगाए हैं, हमारा परिवार भी प्रभु भला चंगा है, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो। एक एक मसीह भाई बहन उनका पूरा फैमिली प्रभु स्वस्थ है, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, कुशल से है प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु जी हर एक जीवन के ऊपर, आपका अनुग्रह की दृष्टि, दया कृपा प्रभु, तक करुणा की दृष्टि बनी रहे प्रभु, ताकि हर एक जीवन से आपकी स्तुति होती रहे, आपकी महिमा प्रशंसा तारीफ बढ़ाई आदर और सम्मान होती रहे, सहायता कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बढ़ाई करते हैं, आदर करते हैं प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रिय भजन संहिता 30 अध्याय के उसका 2 और 3 पद के वचन को पढ़ करके प्रभु की महिमा करें। इसमें लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है, हे यहोवा तूने मेरा प्राण, हाँ तूने मेरा प्राण अंधलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सच में जो कोई सच्चाई से प्रभु को पुकारता है उन सबों के निकट प्रभु रहता है, संदेह नहीं करेंगे, विश्वास कर लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उत्तर देगा, तो सच में आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाएगा। प्रभु के पास जितने रोगी आए, जितने बीमार आए, विश्वास के साथ आए, प्रभु को पुकारे, प्रभु को आवाज़ दिए, हाँ प्रभु को आवाज़ दिए और वो सब के सब चंगे हो गए, आप भी विश्वास के साथ आइए और प्रभु को आवाज़ दीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आपको भी चंगाई मिलेगा। जब हमारा प्राण अंधलोक में था, दलदल के कीचड़ में हम फंसे थे, परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र इस जगत में भेज करके हमारे प्राणों को अंधलोक से छुड़ाया है, दलदल के कीचड़ में से हमें बाहर निकाला है, ना सोने से बचाया है, पाप की मजदूरी मृत्यु है पर उसके पुत्र यीशु मसीह में जीवन है। जो कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश होने से बचेगा, कब्र में जाने से बचेगा, वो जीवन पाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। दुष्ट करुण मनुष्य से भी आपका कुछ हानि नहीं होगा, शैतान से भी आपका कुछ हानि, हाँ आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। लिखा है, हाँ लिखा है भजन संहिता 30 अध्याय के 1 में कि प्रभु उसके ऊपर आपको आनंद कराएगा,
किसके ऊपर? शैतान और दुष्ट करुण मनुष्य के ऊपर। क्या कराएगा? आपको आनंद कराएगा, जय देगा, विजय देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसमें राजा दाऊद बोलता है कि मैं यहोवा को सराहूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। किस बात के लिए? क्योंकि उसने मुझे मेरे शत्रुओं के ऊपर आनंद कराया है, मुझे चंगा किया है, मेरे प्राण को अंधलोक से छुड़ाया है, मुझे खींच करके बाहर किया है, अभी तक जीवित रखा है, कब्र में पड़ने नहीं दिया। इस बात के लिए मैं यहोवा को सराहूंगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु जो काम किया है उसको स्मरण करने की, याद करने की ज़रूरत है, और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देने की ज़रूरत है, ताकि प्रभु का अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभु तक करुणा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, और भी हम प्रभु के काम को देख सकें, उसके अनुग्रह महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देख सकें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आपके दिए हुए आज के दिन के पहला समय में हम बिस्तर से उठते ही प्रभु जी आपके हजूरी में आए हैं, संगति में आए हैं, आपके सामने घुटना टेके हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं, ताकि प्रभु जी आज के पूरे दिन प्रभु जी आप हमारे निकट रहे, करीब रहे, नज़दीक रहे, समीप रहे, पास रहे, और हमें संभाले खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से, दुष्ट गुरुन मनुष्य, दुष्ट शैतान से बचा करके रखे, हर एक हानि नुकसान से, हाँ प्रभु, चोट से प्रभु जी फंदे से बचा करके रखे, समस्या, उलझन, कलेश से प्रभु जी, विपत्तियों से, दुखों से, बीमारी से बचा करके रखे। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। हमारे जन्म के दिन से लेकर के आज के दिन तक हमें संभालने वाले, हमें सेफ और सुरक्षित रखने वाले प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। तू ही हमारा सदा सर्वदा के लिए खुदा है। सहायता कीजिए प्रभु जी, अपने पनाह में रखिए। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बोला है, तुम्हारे मृत्यु तक के मैं तुम्हारा अगुवाई करूँगा, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सहारा बनूँगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। डरिए मत, घबराइए मत, हर दिन प्रभु हमारे निकट रहने वाला, करीब रहने वाला है, हमें संभालने वाला है। प्रार्थना कीजिए, आगे बढ़िए, निडर रहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, 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 स्तुति हो, स्तुति हो राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सहायता कीजिए प्रभु जी, आज से सबों की इच्छाएं पूरी हो जाए, जिनको जो कुछ की आपसे प्रभु चाह है, इच्छा है, आशा है, सपना है, लाशा है प्रभु, आज पूरी होने पाए। आज सब प्रभु खुशियों से भर जाए, आनंद से भर जाए, आपकी ओर से गुड न्यूज पा करके प्रभु उमंग से भर जाए, हर्ष से भर जाए। सहायता कीजिए प्रभु, आज सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय का उत्तर मिलने पाए। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सुन रहे हैं, विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं, अपने मुंह को खोल करके जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं, सबों को मिलने पाए। जिस किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, उन सबों के जीवन में काम होने पाए। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी। जिनको पैसा की ज़रूरत है, उपाय कीजिए। जो कुछ की आज ज़रूरत है, उपाय कीजिए, दीजिए प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु जी, आज सबों के लिए प्रभु जी सच में खुशी का दिन होने पाए, बरकत, सफलता का दिन होने पाए, आशीष का दिन होने पाए, उमंग का दिन होने पाए, महिमामय दिन होने पाए, अद्भुत अनोखा दिन होने पाए, विशेष
हाँ प्रभु जी, बेस्ट दिन होने पर, खास होने पर स्वर्ग के पिता सहायता कर, सहायता कर प्रभु, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति 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 करते हैं, महिमा 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 करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। सहायता मदद गाइड कर दीजिए, संभालिए सारी दिक्कत परेशानी को, ख़त्म कीजिए, अपना मुख का प्रकाश हमारे मुख पर चमकाइए, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, उलझन को सुलझा दीजिए, समस्या का हल निकालिए, दुखों का निवारण कीजिए, बिगड़ी को बना प्रभु। धन्यवाद हर एक के जीवन को संवार सुंदर कर, धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु जी। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा, आज सबों के जीवन में नई नई आशीषें दे प्रभु जी, सबों के लिए नया नया मार्ग खोल, उसमें स्थिर करके सफलता भी दे। धन्यवाद यीशु, सहायता मदद गाइड कर दीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए, ख्याल रखिए, स्तुति हो पिता, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए। लोडे जी सस्तुति हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, महिमा हो प्रभु जी, 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 तारीफ हो प्रभु, 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 स्तुति प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, तो सुना, ग्रहण किया, स्वीकार किया, उत्तर भी दिया प्रभु। धन्यवाद देते हमारे साथ जितने आपको पुकार रहे हैं, सबों के सुनिए और उत्तर दीजिए। कमेंट के माध्यम से प्रभु जी, जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन दिए हैं, दृष्टि कीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि सबके सब प्रभु जी आनंद से भर कर आपकी महिमा करें, जिनकी जो परेशानी है खत्म हो जाए, रोग बीमारी है खत्म हो जाए, सकेती है प्रभु जी, प्रभु जी वो सकेती खत्म हो जाए। सहायता कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु, दुख भरा जीवन आनंद में, सुख में बदल जाए। सहायता कीजिए, गरीबी और घाटी से छुटकारा दीजिए, धन की आशीष से प्रभु सबों को दीजिए, खुशी की आशीष से प्रभु जी सबों को दीजिए, सफलता की आशीष से सबों को दीजिए। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते, आनंद हर्ष उमंग की आशीष से, सुख चैन की आशीष से प्रभु, हर्ष उमंग की आशीष से सबों को दीजिए। हाँ सबों को दे, धन्यवाद पिता, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कृपा प्रभुता कर, करुणा कर खुदा। धन्यवाद करते, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। तारीफ करते हैं खुदा से, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सहायता मदद गाइड कीजिए, जिनके जिनके प्रभु जी घुटनों में दर्द है, कमर में, गर्दन में, पाँव में प्रभु जी, हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, दांत में दर्द है प्रभु जी, जिनका मसूड़ा सूजा हुआ है प्रभु जी, पैर सूजा हुआ है, बॉडी का कोई अंग सूजा हुआ है दर्द में, चंगाई दीजिए प्रभु। शुगर, थायराइड, बीपी, हार्ट की बीमारी, कैंसर, इन्फेक्शन, एलर्जी, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए, ट्यूमर से, मिर्गी से प्रभु जी, लकवे की बीमारी से प्रभु जी छुटकारा दीजिए, सफ़ेद दग धब्बे से, घाव, फोड़ा, फुंसी, चमड़ा रोग, उकवा, दिनाई, चेचक से छुटकारा दीजिए, जिनके बाल झड़ते हैं, रुकने पाए, नए बाल उगने पाए, सहायता कीजिए, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। महिमा करते जिनको जो कुछ की कमी घटी है पूरा कीजिए, सहायता कर खुदा। धन्यवाद देते सबों के जीवन में, तू काम कर सबों के जीवन में, तू चमत्कार कर प्रभु। स्तुति हो जीवन दाता, आपकी स्तुति करते हैं महिमा में महान प्रभु, आपकी महानता के लिए धन्यवाद यीशु, प्रेम के लिए प्रभु धन्यवाद खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो पिता, अनुग्रह कर खुदा, 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 अनुग्रह कर खुदा,
स्तुति हो पिता, धन्यवाद करते हैं। महिमा प्रशंसा हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, सहायता मदद गाइड कर दीजिए, संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, सारे दिक्कत परेशानी को खत्म कर दीजिए, सहायता कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, तू सोना ग्रहण किया, स्वीकार किया, उत्तर भी हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल करे, देखरेख करे, आपको और आपकी पूरी फैमिली को अपने पनाह में रखे, छत्र छाया में रखे। आज शाम 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव कीजिए, प्रभु का अनुग्रह आपको मिलेगा, महिमा आपके जीवन में प्रकट होगा। प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना छोड़ना नहीं है, यही प्रभु के करीब लाता है और प्रभु की आशीषों से हमें भरता है, जीवन देता है, प्रभु के मार्ग पर चलाता है, प्रभु से लिपटे रहना सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, प्रभु के साथ चलना सिखाता है। प्रभु आपको ब्लेस करे, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।